लेडी ऑफ द हार्ले के नाम से मशहूर जयपुर की बाइक राइडर वीनू पालीवाल की सोमवार शाम मध्य प्रदेश के विदिशा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। वीनू 24 मार्च को हार्ले डेविडसन से देश भ्रमण पर निकली थी। उनके साथ दूसरी हार्ले बाइक पर दोस्त दिपेश तंवर थे। सोमवार सुबह करीब 7 बजे दोनों लखनऊ से रवाना हुए। शाम करीब 6 बजे मध्य प्रदेश विदिशा स्थित ग्यासपुर गांव के पास वीनू की बाइक स्लिप हो गई। हादसे के बाद वीनू को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान वीनू की मौत हो गई है। आपको बता दें कि उन्हें लेडी ऑफ द हार्ले 2016 चुना गया था। तो जयपुर की रहने वाली थी और मध्य प्रदेश के विदिशा के पास सड़क हादसे में वीनू की मृत्यु हो गई है। वीनू पालीवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विदिशा के पास ग्यासपुर एक जगह पड़ता ही है, वहां पर यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि उनकी जो बाइक है वह स्लिप हो गई, संभवतः रफ्तार ज्यादा रही होगी और इसलिए उन्हें अंदरूनी चोट आई। तत्काल उनको ग्यासपुर के पास एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। लेडी ऑफ द हार्ले 2016 इन्हें चुना गया था। बाइकिंग के लिए मशहूर थी, देश विदेश में जो युवा बाइकिंग का शौक रखते हैं उनके बीच एक जाना पहचाना नाम वीनू, और एक क्रेज लोगों के बीच वीनू पालीवाल को लेकर था। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे के बाद की है और दूसरी तस्वीर विदिशा की, जहां पर इलाज के दौरान वीनू पालीवाल की मौत हो गई। तो कई लोग अचानक से इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो लेडी 180 की रफ्तार से बाइक दौड़ा सकती है, और कई बार अलग अलग जगहों पर वो गई और कभी कुछ इस तरीके का हादसा नहीं हुआ, और अचानक से एक हादसा हुआ और उस हादसे में उनकी जान चली गई। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक बाइकिंग के दुनिया का जाना माना नाम वीनू पालीवाल, जिनकी मृत्यु एक हादसे में हो गई है। वीनू की मां से बातचीत की है हमारे संवाददाता वसंत पांडे ने। लेडी ऑफ हार्ले के नाम से मशहूर वीनू पालीवाल का कल देर शाम गाड़ी स्लिप होने से मौत हो गई। गाड़ी की दीवानगी के चलते भारत भ्रमण पर 24 मार्च को निकली थी। हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं किस तरह के शौक थे बचपन से वीनू पालीवाल को। मैडम, किस तरह के शौक थे वीनू पालीवाल को बचपन से? बचपन से शौकीन, हर चीज की शौकीन रही है, ड्राइविंग की तो खास करके। कई बार अकेले लेके जाती थी, डांट भी खाती थी पिताजी से, अपने पापा से, और चोट खा के भी आती थी, पर डर कभी नहीं लगा उसको। गाड़ी के अलावा और क्या क्या शौक थे वीनू को? सिंगिंग, टीचिंग। और शुरू से ही स्कूल टाइम से ही बाइक लेके जाया करती थी। बाइक की दीवानगी ने उन्हें शहर की लेडी ऑफ हार्ले बनाया। ठीक है, उस वक्त जब स्पीड में गाड़ी चलाती थी तो क्या कहते थे आप? हम लोग हमेशा कहते थे स्लो चलाओ, स्लो चलाओ, पर नहीं, कहना नहीं माना कभी भी। महिलाओं के लिए आदर्श मानी जाती थी? बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल महिलाओं के लिए आदर्श मानी जाने वाली वीनू पालीवाल को बचपन से ही म्यूजिक का भी शौक था और गाड़ी का शौक उन्हें बचपन से ही था। स्कूल टाइम से ही वह बाइक लेकर जाया करती थी। इसी के चलते 24 मार्च को भारत भ्रमण पर निकली थी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं वसंत, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर। वीनू पालीवाल कौन थी यह भी आपको बता देते हैं। वीनू पालीवाल जयपुर की मशहूर बाइक राइडर थी और बड़ी बात यह कि हाल ही में उन्हें लेडी ऑफ द हार्ले का खिताब मिला था 2016 में ही। 24 मार्च को अपने हार्ले डेविडसन से देश भ्रमण पर वीनू निकली थी। वीनू के बारे में कहा जाता है कि वीनू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाती थी। बचपन से ये शौक था और उम्र के साथ ये शौक बढ़ता ही चला गया। वीनू एक फिल्म भी बना रही थी, यह है इंडिया, और इस फिल्म के जरिए वो देश की एक अलग ही तस्वीर देश के लोगों और दुनिया के लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, जो संभवतः अब पूरी नहीं हो पाएगी। तो वीनू पालीवाल की मौत हो गई है अचानक से, कोई इस पर यकीन नहीं कर पा रहा है। उनके पिता से भी समाचार प्लस ने बात की। बचपन से पढ़ने में बहुत शौकीन थी, खेलने में शौकीन थी, हेल्पिंग बहुत थी वो शुरू से, सबके लिए हेल्पिंग थी शुरू से। बाइक की दीवानगी कब से? बाइक तो मैं रखता था पहले, राजदूत मैंने शुरू किया,
फिर राजदूत के बाद मैंने जावा लिया, जावा के बाद रॉयल इनफील्ड लिया, तो अक्सर शौक होता था, साथ भी बैठ के जाती थी, एंजॉय करती थी। तो जयपुर की मशहूर लेडी बाइकर वीनू पालीवाल की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वीनू के साथियों ने विदिशा के पास ग्यासरपुर अस्पताल की नर्स पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। वीनू के साथी दीपेश तंवर ने बताया कि ग्यारसपुर स्वास्थ्य केंद्र में नर्स ने वीनू को गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिस वजह से वीनू की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टर्स मौत की वजह लीवर फटना और ज्यादा खून बहना बता रहे हैं। आपको बता दें कि वीनू अपने दल के साथ देश भ्रमण करने निकली थी, लेकिन मध्य प्रदेश के पास विदिशा में उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई है। फिलहाल वीनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। सिर्फ हाथ में चोट लगी थी, हाँ, और कहीं पूरी बॉडी में चोट ना थी। हॉस्पिटल चिल्ला रही थी क्योंकि उनके दर्द रहता है, उनको इंजेक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने बहुत दम लगाया, लोगों ने पकड़ा उनको, हॉस्पिटल में देते हैं। नहीं, ये कहना तो गलत है कि इंजेक्शन गलत लगाने से मौत हुई है, ऐसा नहीं है। अभी पीएम उनका हो गया है और वीडियोग्राफी भी करवाई थी, टीम द्वारा किया गया था पीएम, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थे, और उसमें ये पाया गया कि इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर आंतरिक जो ब्लड का जो जैसा हुआ था, और लीवर जो था, लीवर फट गया, लीवर फटने के कारण आदमी शौक में आ गया, उसके कारण मौत हो गई उसमें। तो फिलहाल आरोपों में कितनी सत्यता है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन एक मोड़ जरूर आया है कि क्या वाकई हादसे से, एक दुर्घटना से वीनू पालीवाल की मृत्यु हुई, या फिर एक इंसानी गलती ने वीनू की जान ले ली है। दोस्त ये कह रहे हैं कि गलत इंजेक्शन की वजह से मृत्यु हुई है, जबकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आंतरिक चोट थी, लीवर फट गया था, खून बहुत ज्यादा बह गया था, जिसकी वजह से उनको बचाया नहीं जा सका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई सामने आएगी। सूबे के कर्मचारियों को दो से ज्यादा संतान होने पर सेवा नियमों में लागू अलग अलग तरह के दंड प्रावधानों के संबंध में आज राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री राजे की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक में सिविल सेवा नियम 1973 में संशोधन पर अहम फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि दो से ज्यादा संतानों वाले कर्मचारियों पर राज्य सरकार ने 5 DPC वर्षों तक प्रमोशन पर रोक लगाने और 5 साल तक ACP पर रोक लगा रखी है। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों को 17 CC का नोटिस देने का भी प्रावधान है। कैबिनेट की बैठक से आज इनमें से कुछ प्रावधानों को हटाया जा सकता है। पीयूष शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कितने देर और ये कैबिनेट की बैठक चलेगी, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। देखिए, कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर और चलेगी, क्योंकि उसके बाद जो समय प्रस्तावित रखा गया है वो मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए रखा गया है। तो फिलहाल बैठक तो जारी है, लेकिन जो अहम प्रस्ताव थे इसमें धन्यवाद, उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। खासतौर पर एक बड़ा प्रस्ताव था जिसकी समिति ने सिफारिश भी की थी, वो था राज्य कर्मचारियों की जो पदोन्नति पर जो रोक लगी हुई है, जिनकी 3 संतानें हैं, उसको लेकर अहम फैसला था, दंडात्मक प्रावधान हटाने को लेकर। तो फिलहाल बैठक जारी है, बैठक के बाद जो मंत्रिपरिषद की बैठक वो शुरू होगी, और तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो संसदीय कार्य मंत्री है सरकार की ओर से ब्रीफ करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए। लेकिन जो प्रमुख फैसले थे उसमें कर्मचारियों को आज की इस बैठक में कई सौगातें मिलने की, जो राहत मिलने की बात है वो सामने निकल के आ सकती है। जी धन्यवाद। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राजस्थान में 42 दिनों के बाद सर्राफा व्यवसायियों ने अपनी हड़ताल को खत्म किया है और सोने चांदी की दुकानें खुल गई हैं। सर्राफा व्यापारियों ने अपनी हड़ताल को स्थगित किया है। केंद्र से आश्वासन के बाद सर्राफा व्यापारियों ने हड़ताल को स्थगित किया है। 41 दिन तक इनका हड़ताल कंटिन्यू रहा, 42वें दिन हड़ताल खत्म हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात हुई, दोनों नेताओं ने आश्वासन दिया, जिसके बाद सर्राफा व्यापारियों ने
हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है। कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ मांगों को लेकर तो सीधे स्पष्ट कर दिया गया है, मतलब एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी को लेकर ये साफ कर दिया गया है कि सरकार इस पर रोल बैक नहीं कर सकती, सरकार इसे रोल बैक नहीं करेगी। हालांकि इसके अलावा और जो कुछ कुछ मांगे हैं उसको लेकर सरकार ने जरूर भरोसा दिया है कि उन मसलों पर जरूर बात होगी और उन मसलों को रोल बैक भी किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रदर्शन सिर्फ राजस्थान नहीं देश भर के सर्राफा व्यापारियों ने की है। तो सर्राफा व्यवसायियों की हड़ताल खत्म हो गई है। आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकि शादी ब्याह का सीजन भी शुरू हो गया और ऐसे में अगर महीने भर से ज्यादा सोने चांदी की दुकानें बंद थी तो लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। चलिए आपको बताते हैं कि जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से एक प्रतिनिधिमंडल सर्राफा व्यापारियों का जाकर मिला। इसके अलावा पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि ड्यूटी वापस नहीं लिया जाएगा। ज्वेलर्स नाला की कारोबार की सीमा बढ़ाने की मांग की है, कारोबार की सीमा को 50 करोड़ तक करने की मांग की। इसके अलावा जो स्टॉक है उनका वो 28 फरवरी के पहले तक का जो स्टॉक उसे बाहर रखा जाए, उसके बाद ये ड्यूटी लगाई जाए। ड्यूटी चुकाने पर देरी अगर होती है तो उस पर सिर्फ आर्थिक दंड लगे, क्योंकि गिरफ्तारी का भी प्रावधान कुछ जगहों पर है, उसे हटाने की मांग की है। इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है और 26 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में एक बार फिर से बेजुबान गायों पर आफत आ गई है। मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं, मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा और उसका खमियाजा गाय को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश का यह सबसे बड़ा गौशाला है और इन गौशाला में सुबह से ही गायों को चारा पानी नहीं दिया गया है, क्योंकि जो मजदूर हैं जो इनके चारा पानी की व्यवस्था करते हैं उनका कहना है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा, इसलिए आज सुबह से वो काम पर नहीं आए हैं। गाय भूखी है और ठेकेदार का यह कहना है कि क्योंकि उन्हें चेक क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि आयुक्त सिग्नेचर करते हैं फिर वो जो फंड है वो रिलीज होता है, ठेकेदार तक पहुंचता है, तब ठेकेदार मजदूर को पैसा देता है। लेकिन यहां पर एक चेन बना हुआ है और उस चेन में हर जगह लूप होल्स है। हर 15 दिन 20 दिन महीने भर में ऐसी स्थिति आती है। देश में गायों को लेकर सियासत होती है, देश में गाय को लेकर राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर जोर शोर से उठाती है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी गायों की हालत पर किस तरीके की स्थिति में कोई सुधार हो नहीं रहा, उसका जीता जाता उदाहरण ये हिंगोनिया गौशाला का मामला है। बढ़ते आगे, बैरवाड़ में शॉपिंग मॉल में काम करने वाली लड़की से दुकान के मालिक और कॉम्प्लेक्स के मालिक ने गैंगरेप किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित हरियाणा के नारनौल की रहने वाली है जो कि गणपति प्लाजा में शिवम कॉस्मेटिक्स में काम करती थी। पीड़ित ने दुकान के मालिक प्रदीप और कॉम्प्लेक्स के मालिक बबलू पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए हैं, आरोपियों की अब तलाश जारी है। उसने गणपति प्लाजा बैरोड में एक दुकानदार है प्रदीप जिसके यहाँ ये काम करती थी, उस पर अपने साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और साथ उसने मालिक मॉल के ऊपर भी बबलू है उस पर ऊपर भी आरोप लगाए, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच डिप्टी साहब बैरोड कर रहे हैं। बीकानेर में 3 छात्रों की शुभासर जलाशय में डूबने से मौत हो गई है। सेना के गोताखोरों ने दोनों छात्रों के शव को बरामद किया है, जबकि एक छात्र के शव की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक इंजीनियरिंग कर रहे 5 छात्र पिकनिक मनाने के लिए शुभासर जलाशय पर आए थे, जहां 3 छात्र शुभासर जलाशय में डूब गए। सूचना मिलते ही सेना के गोताखोर मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू किया। 2 छात्रों के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 3रे छात्र के शव की तलाश जारी है। और अब चलिए बताते हैं कि बीकानेर में आखिरकार हुआ क्या था। सोमवार को शुभासर जलाशय पर ये छात्र पिकनिक मनाने आए थे। इंजीनियरिंग के ये 5 छात्र पहुंचे थे पिकनिक मनाने, जो जलाशय में नहाने के लिए उतरे। नहाते वक्त पैर फिसलने से संभवतः ये 3 छात्र गहरे पानी में चले गए और डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये 3 छात्र जोधपुर के रहने वाले थे और बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते थे। सोमवार को सेना के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। रात में अंधेरे के कारण
सर्च अभियान को रोक दिया गया। आज एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और गोताखोरों ने दो छात्रों के शव को बरामद किया है, जबकि एक छात्र का जो शव है वो अभी तक नहीं मिला है, उसे गोताखोर सर्च कर रहे हैं। वही अलवर में मिट्टी में दबने से चार बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को अपने कब्जे में लिया। हादसा बाढ़ धुंधला की ढाणी गांव में हुआ है, जहां अवैध खनन से बने मिट्टी के टीलों और गड्ढों में दबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे सोमवार की शाम स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए गए थे और शाम से लापता थे। मारे गए बच्चों की उम्र 4 से 8 साल के बीच है। बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा है। पुराना अंगल दो भाई हैं, इनके दो दो बच्चे थे, कुल चार बच्चे खेलने घर से निकले थे, जो पास में ही इनके मिट्टी का टीला है उसमें दब करके और मर गए हैं। अभी सुबह उनकी डेड बॉडी मिली है, जिनका मौके पर ही बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा करके अंतिम संस्कार कर। चौमू में स्कूल परिसर में खेल रहे बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में 50 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला आडा गेला गांव का है, जहां छात्रों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के डर से टीचर्स ने स्कूल के कमरों के दरवाजे बंद करके परीक्षा कराई। मधुमक्खियों के हमले में ज्यादातर जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी के छात्र हैं, जिनकी उम्र 10 साल से कम है। खेतड़ी में सरकारी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के पास बने नाले की सफाई कराने के साथ ही अतिक्रमण हटाने की मांग की है। छात्रों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर कॉलेज में सफाई कराने को कहा है। छात्रों ने कहा है कि कॉलेज के पास बने गंदे नाले की वजह से छात्रों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। छात्र गंदे नाले के पास पढ़ने और परीक्षा देने को मजबूर है। कॉलेज के खेल मैदान पर भी दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इस बारे में अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी इसमें कोई सफाई नहीं कराई गई। नगर पालिका या अन्य नेताओं के दबाव में जो काम नहीं हो रहा है, ये महाविद्यालय के बच्चों के लिए बहुत नुकसान की बात है। खेल मैदान हमारा जो आपके सामने, इसमें बिल्कुल भी खेल की कोई गतिविधि नहीं हो रही। फतेहपुर में दलित परिवार को अपना मकान बनाना भारी पड़ गया। गाँव के दबंगों ने दलित विधवा और उसके बेटे के साथ मारपीट की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मामला खुडी गाँव का है, जहां दबंगों ने दलित विधवा सरबती देवी और उसके बेटे अशोक के साथ मारपीट की है। आरोपियों ने पीड़ित के मकान की दीवार ढहा दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे घर पे आया और हमारे घर पे आके पहले दीवार तोड़ी और अंदर घुस के मेरे साथ मारपीट की और मम्मी के साथ मारपीट की और मम्मी के चोट आई है हाथ में और बहन के साथ गलत व्यवहार किया चढ़काने की और उसके बाद धमकी देके चला गया। सीकरी में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना फुटाकी गाँव की है, जहाँ सतनाम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गाँव के ही रहने वाले राजेंद्र और देवेंद्र पर हत्या का आरोप लगा है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बूंदी में मंदिर चोरों के निशाने पर है। ताजा मामला गुरु नानक कॉलोनी का है, जहां चोरों ने जैन मंदिर में चोरी की। देर रात चोर गेट का ताला तोड़कर मंदिर में दाखिल हुए और वहां रखी दो दान पेटी और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। मंदिर में चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी है, तो पुलिस चोरों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे, वहां पर जैन समाज के लोगों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि गोदान की टीवी छत्र वो गायब हो गया, कोई अज्ञात व्यक्ति स्ट्रगल में गया। आम लोगों के साथ साथ भगवान का घर भी अब सुरक्षित नहीं रहा। चोरों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट अब मंदिर हो गए हैं। बूंदी में भी चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया और दानपात्र और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं पोखरण में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 50 पेटियां जब्त की हैं। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। यह कार्रवाई भैरवा गांव में हुई है, जहां पुलिस को अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिली थी।
सूचना मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और अवैध शराब की खेप के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मांडलगढ़ में पेयजल किल्लत से जूझ रहे महिलाओं ने जलदाय विभाग और सरपंच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। मामला वार्ड नंबर 12 और 13 का है, जहां पिछले दो महीने से पानी नहीं आ रहा। महिलाओं का आरोप है कि इस बारे में जब उन्होंने सरपंच से शिकायत की तो सरपंच ने उन्हें कुएं से पानी लाने की नसीहत दी। जलदाय विभाग के अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। महिलाओं ने पेयजल सप्लाई को दुरुस्त करने की मांग की है। पारा में एक डेढ़ महीने से पानी की समस्या को लेकर सरपंच साहब को भी मैंने लिखित में ज्ञापन दिया और इसके अलावा मैंने JNIN साहब तक को भी मैंने लिखित में, उसमें मौखिक में और फोन में संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मैंने दो मतलब बोरिंग के लिए पास कर दिए पर अभी तक बोरिंग नहीं, तो सोमवार का कहा था अभी तक नहीं तो बोरिंग आई। JNIN से बात करी, उन्होंने कहा कि कल सोमवार को सर्वे रहेगा, जबकि 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि सोमवार को आपके मोटर लग जाएगी। हमेशा आगे से आगे दिन बढ़ाए जा रहे हैं, इसे डेढ़ महीना तो हो गया इनको, इस बार कुछ हो नहीं रही। भीलवाड़ा में दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला हादसा बेडच नदी के पास हुआ है, जहां गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। दूसरा हादसा सोमालिया फाटक के पास हुआ है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसों में घायल लोगों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बेकाबू रफ्तार का कहर नजर आया भीलवाड़ा में, जहां पर अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि दो लोग घायल हुए हैं। अपने गांव बिलोर जा रहे थे मोटरसाइकिल से, बिलोर जाते समय डेढ़ नदी के पास पुलिया के पास मार्शल वाहन द्वारा टक्कर मारने से राजू सिंह की मृत्यु हो गई और महेंद्र सिंह हॉस्पिटल में भर्ती। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ में भ्रूण मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और भ्रूण को अपने कब्जे में लिया है। यह घटना चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया इलाके की है, जहां पर एक खाली प्लॉट में ये भ्रूण मिला। भ्रूण 7 महीने का बताया जा रहा है। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, एक स्पेशल तस्वीर जहां पर एक खाली प्लॉट में भ्रूण मिला है। 7 महीने का यह भ्रूण है, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया इलाके की है। जैसे लोगों की नजर इस खाली प्लॉट पर पड़े भ्रूण पर पड़ी, तत्काल पुलिस को खबर की गई। पुलिस भी वहां पर पहुंची, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन यह अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार किसने ये दरिंदगी की। आज सुबह करीब 8:30 बजे भूतपूर्व पार्षद श्री सावन सिंह जी ने मुझे जिले टेलीफोन बताया कि एक अज्ञात अर्धविकसित शव, जो बच्चा है या बच्ची जो ध्यान नहीं, किसी महिला द्वारा है जो फेंक दिया गया, जो कुमारों को मोहल्ला चंदेरिया में पड़ा हुआ, जिस पर है जो मैं जाप्ते के साथ में रवाना होकर के मौके पर पहुंचा हूं, जिसके शव को लेकर के सांवरे जो हॉस्पिटल जाकर इसका PM कराया जाएगा। लंडनू के रेलवे स्टेशन में सुविधाओं का अभाव है, जिसका खमियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। स्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों को धूप में खड़े रहकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। स्टेशन में ना तो पीने का पानी है और ना ही शौचालय। स्टेशन पर बने प्याऊ की पिछले 3 साल से सफाई नहीं हुई है। रेलवे स्टेशन की सुविधाओं के विस्तार के लिए यात्री कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी इन शिकायतों पर कोई समाधान ही नहीं किया गया। शिक्षा विभाग सरकार स्कूलों की हालत सुधारने के तमाम दावे कर रहा है, लेकिन दावों की हकीकत क्या है यह आप कामा में देख सकते हैं, जहां सहेडा गांव का सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो गया है। स्कूल भवन जर्जर है, स्कूल की दीवार में दरारें पड़ी हैं, छात्र मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की हालत के बारे में प्रबंधन विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो कामा में जर्जर भवन में मासूम पढ़ने को मजबूर हैं, शिकायत विभाग से की गई है, लेकिन विभाग संभवतः सुनने को तैयार नहीं है। किसी हादसे का इंतजार विभाग को है, क्योंकि ये भवन इस तरीके का है कि
कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए किसी तरीके का कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा। और बड़ी खबर टोंक से आ रही है, जहां पर वनस्थली में छात्रा की खुदकुशी के मामले में वनस्थली विद्यापीठ ने कानून की भी परवाह नहीं की है। बड़ी खबर टोंक से इस वक्त आ रही है, जहां पर वनस्थली विद्यापीठ ने कानून को भी ठेंगा दिखा दिया है। राज्य महिला आयोग की ओर से नोटिस दिया गया था एक छात्रा की मौत के बाद, लेकिन राज्य महिला आयोग के नोटिस को दरकिनार कर दिया गया। शुक्रवार को यह नोटिस जारी किया गया था। खुद महिला आयोग के अध्यक्ष मनु शर्मा ने समाचार प्लस से बातचीत में ये बात कही थी कि उन्होंने नोटिस जारी किया, 3 दिन में जवाब मांगा है। और नोटिस का जवाब, जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि महिला आयोग की नोटिस का जवाब वनस्थली ने नहीं दिया है। पीयूष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये तो सीधे सीधे एक कंटेम्प्ट का मामला बन जाता है कि आप एक संवैधानिक संस्था अगर आपको नोटिस जारी कर रही है और आप उसे कंसर्न नहीं शो कर रहे हैं, मीन्स आप कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा धर्मराज आपने, क्योंकि बड़ी जो महिला आयोग की कभी बात की जाए तो संवैधानिक संस्था है, और यदि उसके पास इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आता है तो वो निश्चित रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में है कि वो इस संबंध में संबंधित जो प्रबंधन है उसको जवाब तलब करे। यही कारण था कि जब शुक्रवार को पूरा मामला राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा के सामने आया तो उन्होंने तत्काल जो प्रसंज्ञान लेते हुए आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। एक संबंधित जो प्रबंधन है विद्यापीठ, उससे 3 दिनों में जवाब मांगा गया। खासतौर पर जो बालिकाओं ने खुदकुशी की थी उसको लेकर जो संपूर्ण जानकारी थी, तथ्यात्मक जानकारी थी, वो मांगी गई और स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन सोमवार को जब इसकी मियाद पूरी हो रही थी, 3 दिन की जो मियाद थी वो पूरी हो गई, तब प्रबंधन की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। यही कारण है कि खुद जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है वो पूरी टीम के साथ आज वनस्थली विद्यापीठ में उस तमाम जो तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए खुद गई है, वो यहाँ का ऑब्जर्वेशन भी करेंगी। इसके साथ ही जो संबंधित जो छात्रा वहाँ पर रह रही है उनसे भी बातचीत करेगी और पूरे प्रकरण का, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरण न केवल इस बार हुए बल्कि पिछले दिनों की कभी बात की जाए तो इस प्रकार के अमूमन प्रकरण इस वनस्थली विद्यापीठ में सामने आते रहते हैं। तो इसको गंभीर मानते हुए आज खुद महिला आयोग के अध्यक्ष जो की कुछ ही देर बाद इस वनस्थली विद्यापीठ में पहुंचने वाली है और वहाँ का निरीक्षण करेगी और तमाम तथ्यों को जुटाने के बाद अगली क्या कार्रवाई है उसकी बात वो सामने मीडिया को रखेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए पीयूष आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य महिला आयोग के नोटिस को दरकिनार किया गया है। सुमन शर्मा खुद हमारे साथ जुड़ चुकी है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। सुमन जी, आगे क्या कुछ एक्शन आयोग लेगी, क्योंकि नोटिस का तो जवाब नहीं मिला है। देखिए, 3 दिवस का मैंने उसमें समय दिया था, सोमवार को वो पूरी होती है, अवधि नहीं आया तो इसीलिए आज स्वयं जा रही हूँ वहाँ। अभी रस्ते में ही हूँ मैं जी, वहाँ बनस्थली पहुँच के जो फैक्ट्स एंड फाइंड्स है वो सारे देखूंगी मैं वहाँ। 3 दिन की अवधि का वो हो सकता है सहारा ले सकते हैं कि बहुत कम समय का अवधि दिया, अब क्या जवाब आता है वो तो देखेंगे, पर इसीलिए मैंने विदाउट ठीक है सुमन जी, लेकिन ये अगर वो जवाब नहीं देते हैं या फिर जो एक्सक्यूज वो देते हैं उससे आयोग संतुष्ट नहीं होता है तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल होती है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है अगर उसका पालना नहीं की जाएगी तो कार्रवाई जो है वो उनके साथ भी होगी जो सबके साथ होती है। इसमें कोई ये नहीं कि बड़े नामी गिरामी लोग हैं या बड़ी संस्था है तो कार्रवाई नहीं होगी, ये छोटे लोग पे होगी जो है। इसीलिए तो मैंने विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं खुद निकल गई, मैंने कहा एक बार वहाँ जाके वस्तु स्थिति को ज्यादा देखने से ज्यादा लाभप्रद होगा बजाय मैं उनके आंसर इंतजार करती रहूं। जी चलिए, ये तो 2 पॉइंट है सुमन जी। एक पॉइंट आपने कहा कि आप खुद जाकर देखेंगी, अच्छी बात है कि आप खुद वहां पर जाएंगी, चीजों को मॉनिटर देख पाएंगी, और एक नोटिस का जवाब नहीं मिलना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं ये सोच रही हूँ होपफुली, मुझे ये लगता है कि शायद मेरे यहाँ जो नोटिस आ गया होगा, जवाब आ गया होगा, मैं तो अभी तो निकल गई हूँ। आपके ऑफिस नहीं आएगा तो? हाँ, ऑफिस में ही आता है ना, मतलब मैं कल इवनिंग तक का चेक की थी मेल, कल तक नहीं आया था जवाब, तो मैंने आज निर्णय किया कि आज मुझे जाना चाहिए, और आज देखते हैं अगर नहीं आएगा तो फिर जो प्रक्रिया होगी तो बिल्कुल होगी। आपको विश्वास दिला रही हूँ मैं कि आयोग के संज्ञान को दरकिनार करना कोई सामान्य। चलिए सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। सुमन शर्मा, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, जो खुद अभी टोंक के वनस्थली जा रही हैं, और कल देर शाम तक इनको नोटिस का जवाब नहीं मिला था।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।